आबाद पार्लिमानी हलके में जो एमपीलैड की स्कीम के तहत मैंने एक प्रपोज़ल दिया है हलके असम्बली याकूतपुरा के लिए, शुरुआती तौर पर 45 लाख की लागत से एक 3-in-1 सीवरेज लाइन ड्रेनेज लाइन की सफाई के लिए एक मशीन लिया हूं मैं, और इंशाल्लाह ताला ये मशीन आ गई है जिसमें जेटिंग ग्रैबिंग विथ हुपर और पावर रॉडिंग मशीन है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैन्युअली स्कैवेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और यही मशीन में आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे हमारे पास ड्रेनेज लाइन है, उसी में खुद ये जाकर मट्टी गंदगी निकाल कर साफ़ करके, अक्सर हम देखते हैं कि रोड पे डाल देते हैं उसको, फिर बहुत सी मरतबा ये शिकायत आवाम को रहती है जो इसमें सच्चाई भी है कि वो मट्टी को उठाते नहीं। तो इस मशीन से ये छोटी गलियों में चले जाएगी ये गाड़ी, और सीवरेज लाइन की सफाई भी होगी, और उसको उठाकर इसमें डाल दिया जाएगा उस मट्टी को। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा लोडिंग जो मशीन निकाल कर इससे भी सफाई हो सकती, इसको हुपर एंड पावर रॉडिंग मशीन बोल सकते हैं। ये 45 लाख की लागत से एमपी फंड में मैं दिया हूँ। अब ये एक आइंदा 30 दिन के अंदर नई मशीन आएगी, मगर मैं शुक्रगुजार हूँ वाटर वर्क्स का कि उन्होंने ये मुझसे वादा किया है कि इस मशीन को इस्तेमाल करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम की दुआ रही, अल्लाह का फजल व करम रहा, कामयाबी मंजिल उसको मिलेगी। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हैदराबाद पार्लिमानी हलके के जो 6 असम्बली हलके जात है वहाँ पर भी इस तरह की एक मशीन को हम ऑर्डर देकर, क्योंकि ये छोटी गाड़ी है और गली कूचों में पहुँच सकती है। और दूसरा एक अहम काम रहता है करने के लिए, वो है कि हमारे जो ट्रंक मेन है, जो जिस सीवरेज लाइन जाकर जो ट्रंक मेन मिलती है, वो कई बरसों से सफाई नहीं हुई, तो उस मशीन को क्या नाम है, रिसाइकलिंग मशीन है जो 5.5-6 करोड़ की लागत की है। तो मैं अपने फंड से भी इंशाल्लाह कामयाबी के बाद उसमें थोड़े पैसे, आधे पैसे दे सकता हूं, और वाटर वर्क से भी लेकर हैदराबाद पार्लिमानी हलके के जो बड़े बड़े ट्रंक मेन्स हैं उसकी सफाई करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब ये जो लाइनें हैं छोटी बड़ी जाकर ट्रंक मेन मिलती, और अक्सर ये देखने में आया कि असल ट्रंक मेन की सफाई नहीं होती है। इंशाल्लाह ताला उसका भी हम काम मुस्तकबिल में करेंगे। मैं ये हैदराबाद के पार्लिमानी हलके और बिलखसूस हलके असम्बली याकूतपुरा की आवाम ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह की एक छोटी मशीन एमपी फंड ने मैं लिया हूँ, और आप जानते हैं कि हलके असम्बली कारवान में 2.9 करोड़ की लागत से पूरे असम्बली हलके कारवान में और नामपल्ली के थोड़े से हिस्से में, गोशा में थोड़े हिस्से में नई सीवरेज लाइन डाली जा रही है, तो रोड खुदाई हो रही है, रोड नहीं पड़ने की तकलीफ़ भी हो रही है। तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मगर आपसे अपील कर रहा हूँ कि हलके असम्बली कारवान में और जहाँ कहीं भी सूर्य दैन का काम हो रहा है, जैसा कि हलके असम्बली याकूतपुरा में मैंने एमपी फंड से अपने 4 करोड़ के सूर्य दैन के काम दिए, उसका इफ्तिताह भी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से काम तकमील को ही पहुँचे, तो इंशाल्लाह ताला वो काम मुकम्मल होने के बाद भी रोड का काम होगा। तो इस बात की आपको इतला दे रहा हूँ, आपके ताउन आपकी दुआओं की ज़रूरत है, और हैदराबाद पार्लिमानी हलके में हमको अपने इत्तेहाद को मजबूत रखना है, अपने इत्तेहाद और अपनी बरतरी को बरकरार रखना है। फिस्ताई ताकतों को, फ़िरका परस्त ताकतों को आप और हमने मिलकर उनको शिकस्त दी है, और इन तमाम आस्तीन के सांपों को भी हमको दूर रखना है। तो मेरे आप तमाम से ये बताना था कि ये काम चल रहा है, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में और तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे।